राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अत्यधिक मौसम खराब होने के कारण और बारिश होने के कारण जिन किसानों की फसल खराब हुई है और जिन किसानों ने फसल इंश्योरेंस करवाया है उन किसानों को सरकार इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए एवं जिन किसानों ने किसी कारणवश फसल इंश्योरेंस नहीं करवा सके उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिलाया जाए एवं जो केंद्र सरकार द्वारा लागू नया कृषि से संबंधित बिल में आवश्यक वस्तु के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को आपके मार्फत पत्र प्रेषित कर कुछ मांगों को लागू किया जाए। यदि इस बिल में संशोधन नहीं किया गया तो 7 दिन में किसान संपूर्ण भारत बंद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान तेजस्वी सेना अध्यक्ष सुरेंद्र खदा की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ से रवि कुमार डाका की रिपोर्ट, SKH न्यूज। और कुछ किसान भाइयों का उसके अंदर इंश्योरेंस है, कुछ इंश्योरेंस नहीं करवा पाए, कुछ की KCC नहीं थी, कुछ के कुछ अन्य कारण थे जिस वजह से इंश्योरेंस नहीं हो सके। तो आज हमारी मांग ये है कि जिनका इंश्योरेंस है उनके नुकसान की भरपाई करवा, नुकसान का आंकलन करवा करके और इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करे। जिस किसी किसान भाई का इंश्योरेंस नहीं है उसका समस्त जो हर्जाने की राशि है वो राजस्थान सरकार वहन करे, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री महोदय एक बार कह चुके हैं कि जिस किसी का बीमा नहीं है उसके नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। तो आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और 7 दिन के अंदर अंदर अगर इसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है तो हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। समस्त चंदड़ा गांव और उसके आसपास के किसान आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, इस मांग को लेकर आए हैं। दूसरी हमारी मुख्य मांग यह है कि केंद्र की सरकार ने जो 3 अध्यादेश जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है उन अध्यादेशों के अंदर जरूरी संशोधन हो, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की शर्त को जोड़ा जाए। व्यापारी और किसान के बीच में अगर विवाद होता है तो सिविल कोर्ट में जाने की बात उसके अंदर जोड़ी जाए, अभी सिविल कोर्ट में जाने की बात नहीं है। तीसरा हमारा यह है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 उसके अंदर आलू प्याज तिलन और दलहन की जो भंडारण की जो सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि वो पूर्व की तरह कानून हो, उसकी सीमा निर्धारित हो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। इन मांगों को लेकर के हम आए हैं। और एक जरूरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब ने परसों एक आदेश निकाला है, कल के अखबारों में आई है कि हनुमानगढ़ टीबी और गंगानगर का जो किसान है वो पराली नहीं जला सकता। साहब आप मुझे बताइए कि पराली क्यों नहीं जला सकते, किसान इतनी पराली का क्या करेंगे। उसके अंदर इन्होंने हमारे को गाइडेंस दे दी, गाइडलाइन दे दी कि आप इसको रूटावेटर लेकर के आएँ। हमारी हालात तो ये है कि हम कस्सी नहीं खरीद सकते, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे नरमा ख़राब हो गया है और आप हमारे को बोल रहे हो कि आप रूटावेटर लाओ लाखों के। हम नहीं ला सकते साहब, आपको ये जो किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ किसान है उसकी हर 45 मिनट के अंदर एक चिता जल रही है देश के अंदर, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी चिता का धुआं नज़र नहीं आता आपको और आपको ये पराली का धुआं नज़र आ गया। साहब ये किसान चुप बैठने वाला नहीं है, हम पराली जलाएंगे और हम इस आदेश की पालना नहीं कर सकते, आप ये आदेश वापस लीजिए, हम इसकी पालना नहीं कर सकते। इन मांगों के साथ आप हम यहाँ पे पहुँचे सब किसान एकता।